ओम शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में हमारे माता पिता कौन बनेंगे? ये संगम युग पर पता चलेगा या नहीं? सतयुग में कुछ पता भी चल जाए तो, संगम युग पर आपको कुछ पता चल भी जाए, वो सतयुग में आपको याद ही नहीं रहेगा, इस समय आपको याद नहीं रहेगा। लास्ट सेकंड के अंदर कितना, देखिए वंडरफुल ड्रामा है कि लास्ट सेकंड में हम सब का रिजल्ट आउट होगा। तो हमारा रिजल्ट ठीक आया गलत आया, हमें कंप्लेन करने का कोई मौका कहीं नहीं मिलेगा। हमें आंख बंद करके उसे स्वीकार करके चुपचाप सो जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट, पेपर मार्किंग हमने की है, पेपर हमने दिया है, रिजल्ट हमने निकाला है। ठीक इसी प्रकार अभी हम अपना जिन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं और विशेष रूप से रूहानी अकाउंट बना रहे हैं, रूहानी प्यार दे रहे हैं, तब तो हम उसे समझ सकते हैं। जैसे मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप उसे समझ सकेंगे। दादी जानकी को संभालने वाली या देखभाल करने वाली डॉक्टर हंसा, मैं इतना क्लोज तो नहीं हूं कि भी मैं उनकी कैसे उन्होंने पाला होगा उसको देखा हो, और तो मैं इतना समझ पा रहा हूं कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके विशेष रूप से दादी की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें कब क्या खाने के लिए देना है, आयुर्वेदिक उनका इलाज किया, हर समय एमरजेंसी में एलोपैथिक दवाई की तरफ हो गई, और वो भी बहुत सोचने समझने के बाद। वो बॉडी उनकी नेचर को इतना क्लियर समझते थे कि इनकी नेचर क्या रिस्पॉन्स करेगी किस चीज को देने के बाद, उनको क्या खाने के लिए देना है ताकि उनकी जो स्वास्थ्य है उनका ठीक रहे। तो मैं उसे देखता हूं कि लगता है कि उन्होंने एक बच्चे की तरह दादी को पाला। रूहानी नशे में पाला, रूहानी संबंध में पाला। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो माँ बनेंगी कि बाप बनेंगे, परंतु हंसा को वो प्यार मिलेगा, चाहे वो माँ के रूप में मिले, चाहे पिता के रूप में मिले, चाहे बहन के रूप में मिले, किसी भी संबंध से मिले, वो रूहानी प्यार दादी जानकी के द्वारा उनको जरूर 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 मिलेगा। तो आप अपने कर्मों के हिसाब से स्वयं निर्णय कर सकते हैं। बाबा कहते हैं रिजल्ट मैं बता सकता हूं, पर तो हर एक को अपने कर्मों के हिसाब से स्वयं मालूम पड़ सकता है कि आपको जो चाहिए वो देना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि ये मेरे माता पिता बने, आप सतयुगी माता पिता वाला प्यार अब उन्हें दो, तो सतयुग में मिलेगा। यदि आप सतयुगी माता पिता वाला प्यार नहीं दे रहे हो, तो सतयुगी माता पिता वाला प्यार सतयुग में मिलने वाला नहीं है। हमें बाबा ने बड़ा क्लियर कर दिया, जैसा संबंध जिस आत्मा से आप सतयुग में जाते हो, वो संबंध आप भी सबके साथ व्यवहार में ला। जो चाहिए वो दो, आपको प्यार चाहिए प्यार दो, आपको मार चाहिए आप मार दो।
अब जो चाहिए जो देंगे वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब आपने माता पिता को ढूंढना है, बहुत सहज है, आप अभी से उनको माता पिता की पालना देना शुरू करें कि और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।